अरे लेट मी गेस, लाला साहब, लाला साहब भाई से गले मिलो, लॉन्ग टाइम यार, गुड टू सी यू ब्रो, गुड टू सी यू यार, क्या ले लाला, कैसा है? सर मैं ठीक सर, सर मैंने कहा जरा छुट्टी हुई है मुझे जॉब से सर। अच्छा, क्यों ना सर के शहर जाया जाए, क्या ही बात है यार, ट्रांसफर करके हमें भूल ही गए थे। चल झूठा सर, आपका तो इतना प्रोटोकॉल होता था, आगे गाड़ियां दो पीछे दो, इधर क्या सर, ये तो क्या लिए कि फिर रहे आप साथ। लाला लाला तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मतलब तुम ये समझो आसमान से जो है ना जमीन फट गई है। क्या क्या बोला तूने? और क्या बोल रहा हूँ, हाँ जमीन जो है ना फट गई है और सारा पैसा सब कुछ खत्म हो। जमीन नहीं, आपकी फटी लग रही है। सब बस बेटा, आसिफ को तुझे आसिफ को जानता है? नहीं, मैं बाकी किसी को नहीं जानता। ये आसिफ कैसा? हाँ ये आसिफ है नल्ला। कैसे आप सब ठीक है? हाँ ये चांडी हो। मैं ठीक हूँ। ये कौन है चूतिया? बुरा लगता है भाई आप। चांडी हो यार, तुम्हें सी से सिर्फ एक ही नाम आता है, सी से और कोई नाम नहीं आते लाला। नहीं आपने चूतिया बोला। नहीं मैंने बोला चांडी हो यार। अच्छा चांडी हो, चांडी भाई कैसे ठीक है यार? चांडी हो फिकर, बहुत टेंशन नहीं लेनी है, जरा लाला का स्टाइल ही ऐसा ही है, ठीक है? सॉरी यार, माइंड कर बाबा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर हमारा ऑफिस है, ठीक है? ऊपर हमने ऑफिस रखा है और पैकेजिंग वगैरह सब नीचे होती है, गाड़ियाँ लोड शोड जो होती हैं वो सब नीचे ही होती है। ये हमारा यहाँ से दरवाज़ा खुलता है, ये गनों की सारी यहाँ पर पैकिंग शेकिंग होती है, रखा हुआ है, ठीक है? ये अजान रखा हुआ है सारा आपका? नहीं नहीं, ये अजान, ये माल ऑफिशियल माल है, ये गवर्नमेंट का माल है। ये यही तो मुझे देखो पुलिस वालों की यही बात अच्छी लगती है, पुलिस वाले और कुत्तों की नाक एक जैसी होती है हमेशा। ये जो नाता है, ये नाता क्या है, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आसिफ ये याद रखना, ये बिल्कुल, ये जो नाक होती है ना, ये एक जैसी होती है, मतलब ये सुनते ही बता देते कि माल किधर का है। कमाल है, कमाल, ठीक है। अच्छा सर, ये C4 भी पड़े हैं डब्बे के अंदर, में C4 भी पड़े हैं मेरी जान, ये हमने पुलिस का ही माल चुराया था, ये पुलिस का ही माल चुराया था। सही हाथ मारा है आपने, सही हाथ मारा। अच्छा इसकी आधी शिपमेंट जा चुकी है, आधी हम लोग बेच चुके हैं, जिसका माल पैसा आ भी गया था हमारे पास, लेकिन वो भी उड़ गया हमारे पास, वो भी उड़ गया हमारे पास, यकीन करो, ठीक है? आओ चलो जरा चलते हैं पीडी, चलते हैं आसिफ, जरा पीडी में चल के मिलवाते हैं। A few moments later. जी ऑफिसर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? सलाम अलैकुम सर, कैसे हो? बस वालेकुम सलाम, वाल साहब, इनको जानते हैं आप? इनको नहीं, इनको तो नहीं जानता। इनको नहीं जानते भाई? नहीं, हम अपना काम करते, रात को बस घर जाते, नान चांद खाते, सो जाते बस। अच्छा? रात को जब घर जाते हो वहीं पे तो मैं होता हूँ, भूल गए हो? लाला इतना ऊपर से आ रहे हो यार, मतलब हाल चाल मिलता हूँ मैं रात को यार, जब घर जाते वापस मिलता नहीं। देखो हमको बच्चों का शौक है, लेकिन तुम्हारे जैसों का नहीं है फिलहाल। यार क्या ही बात है, ऑफिसर बेगम को शौक है हम जैसों का, मस्ती का रहे हैं और दलील या पुत्रा तो बाद आ जा। हेलो जी, अरे मासूम ऑफिसर, बहुत ही ज्यादा बर्गर, दोनों बर्गर ऑफिसर है ऑफिसर, क्या हाल है आपको, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक। गर्लफ्रेंड है या बीवी, कोई दोनों में से कोई है आप दोनों की? सब जानना है इस बड़वे को, क्या आपस में आप दोनों जान के छेड़ा छाड़ी कर रहे हैं? मुझे लगता है दूसरों के बनते होंगे। मैं हूँ गर्लफ्रेंड? नहीं सर। ये उंगली क्यों कर रहे हैं मेरी तरफ? ये बोल रहे मैं आपकी बनने को तैयार हूँ भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाल लाला देख, अभी जो दो गाड़ियां हमने चुराई हैं, अभी अभी गाड़ी में बैठ के बात कर लो, ये पीटी के बाहर खड़े हैं, आपको चुराने बनाने की सारी बात। एक मिनट रुकना। अबे पास सुन आसिफ, लाला अबे मैंने कोई ज़ॉम्बी देखा है अभी? कुछ भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम लोगों ने देखा है?
अबे यार मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। अबे यार तुम लोग बहन जो मेरे पे यकीन नहीं करते ना, मैंने देखा है, कसम से देखा है यार। यार लाइक तो कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जितने भी नए आ रहे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसलिए मैंने मैं थका हुआ था फ्लाइट से, अगर आप मुझे इजाजत दें मतलब होटल पे चलाए तो सुबह आप सबसे मुलाकात हो सकती है। ऐसा हो जाए, मसला नहीं है मेरी जान, मसला नहीं है। तुझे कोई गाड़ी छाड़ी अरेंज करा दूं, टैक्सी वैक्सी मुझे करवा दे तो बेहतर है, करवा दे तो बेहतर है। मैं दे देता हूं। आसिफ, आसिफ बोलो बोलो। वो गाड़ी शाड़ी कुछ ले आया यार, जाके उधर भी सामने पार्किंग दिख रही है, मैं देखकर जा 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 लेके आ जा। क्या ही बात है एजेंट। हेलो एजेंट, क्या हाल है मेरी जान? अल्लाह का करम है। मुझे बताओ ये ब्लैक स्मिथ को कहाँ छुपा के रखे हो एजेंट? यार मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, मेरा कुछ जरूरी लेना देना है उस बंदे से, मुझे पता लगा है तुम्हारे पास है वो लड़का। एजेंट यार, एजेंट तू गले शले मिलने के बजाय डायरेक्ट लेना शुरू करती है तू? यार गले शले ना मिलने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जो पता लगा ना कि तुम्हारे आसपास का बंदा है वो, तो तुम पे तो मैं थूकूंगा भी नहीं इस टाइम पे जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाता। मुझे तुमने हमारी दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते में ना तुमने दरार डाली है बीच में। एजेंट वो तो दरार तो वैसे ही कहते हैं मुझे, लेकिन बात तू ये बता क्या सीन क्या है, पुलिस की वर्दी में चक्कर क्या है तुम लोग? ये झंझुआ है ना, ये झंझुआ है ना? जी जी सर, जी जी बिल्कुल। ये मेरे अपने सारे बॉयज हैं, ये झंझुआ है। हाँ। ये जे जे हुसैफा और अपना यूएसक्यू रयान वगैरह सब। मुझे ये बताओ कि तुम अभी पुलिस वाला सीन क्यों छोड़ा तुमने, मुझे समझ नहीं आया जब तुम वहाँ से गए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं कैसे, यहाँ की पीडी अलग है, मैं यहाँ पर अप्लाई करते हुए अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं दोबारा कॉन्स्टेबल से शुरू करता, मुझे तुम खुद बताओ ये वाली चीज। नहीं मैं अभी उन्हीं की पीडी से मैं मिलकर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रिप के लिए आया हूँ, मैं जरूरी बंदे को पकड़ना है। खैर कहीं चलो, कहीं चल के बात करते हैं। जो बॉयज सर हो जरार, अगर ये बात सच निकली ना, मुझे पता लगा कि तुमने किसी ऐसे बंदे को पनाह दी है ना जिसको मैं जिससे मुझे नफरत है। एजेंट मैंने किसी को पनाह नहीं दी भी, मैं यहाँ खुद पनाहगार हुआ हूँ, मैं किसी को कहाँ पनाह दूंगा? तुम किस बंदे की बात कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। मेरी जान मुझे इंटेल मिली है तुम्हारा करीबी, देखो तुम्हें भी पता है अंदर बाहर करना ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, पहले भी लोगों के साथ मैं करता हुआ आया हूँ। वो मुझे पता बहुत अच्छे से, मुझे बदलते हुए ना वक्त नहीं लगेगा। अब मुझे लगता है मुझे आइडिया होता है ना कहीं से भी कि तुम डबल जा रहे हो, तुम डबल गेम के चक्कर में तुमने मेरे कान में मुतने की कोशिश करी है, तो ये तेरा डायलॉग में मिस करता हूं यार। एजेंट नहीं, मजाक से, मजाक दूर की बात है, लेकिन मैं सीरियसली मैं डर गया था। मैंने बोला कौन सी टीम आ गई है मुझे पकड़ने के लिए, अब मैं यकीन कर मैं डर चुका था, लेकिन सीरियसली मुझे तुम्हें देख के खुशी हुई है यार एजेंट। लेकिन तुम किस बंदे का पूछ रहे हो मुझे, मैं नहीं जानता। मैं मानता हूँ मैंने यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें करी हुई है, सबसे बदनाम तरीन शख्स हो चुका हूँ मैं शहर का, ठीक है, शायद तुम्हें इसलिए मेरे पे शक है, लेकिन मैं तुम्हें सही बता दूँ कि मैंने नहीं छुपाया हुआ उस बंदे। आओ तुम्हें मैं स्टोरी सुनाता हूँ उस बंदे से मेरे क्या ताल्लुक आते हैं। आओ कहीं बैठते हैं। हाँ जरा। अच्छा तो सीन ये था कि जिस बंदे की वजह से मैं इतना हड़बड़ा के और मेरी जो फटी हुई है ना, उस बंदे का सीन ये था कि मैंने तेरे जाने के बाद एक धंधा, जब तू चला गया तो जाहिर सी बात है किसी से तो मैंने रिप्लेस करना था। देख दोस्ती मेरी नजर में ना दोस्ती बाद में, पैसा पहले, इंसान को जिंदा भी रहना होता है। सही बात है, पैसे के लिए हम दोनों ने बहुत सारी चीजें करी, मैं जानता हूँ। तो सीन ये हुआ कि उस बंदे और मुझे पता था सिर्फ मेरे खुफिया धंधे का। मैं यहाँ से अपना न्यूयॉर्क की जो शिपमेंट होती थी वहाँ पे मेरे एक दर्जन वो होते थे जहाज, जिनमें मैं मछलियों के अंदर चरस सप्लाई करता था।
कटी हुई मछलियां होती थी, सही है। वो तमीज से जा रही थी, अब तो कहले 4 महीने हो गए तमीज से गई, मैंने कुत्तों वाला पैसा बनाया, सही है। इस महीने की जो शिपमेंट थी ना, वो क्या हुआ कि पहले डिले हुई, मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा हो सकता है यार कोई इन लोगों ने नेवी प्रोटोकॉल वगैरह बढ़ा दिया, लेकिन खैर उन लोगों की भी मैंने जेबें गर्म करी हुई है। बाद में मुझे पता लगा कि वो मेरी बहन जो शिपे ही गायब हो गई, तुझे तू अंदाजा लगाएगा मुझे कितने पैसों का नुकसान हुआ है? करोड़ों में मेरी जान, करोड़ों का सीन, 18 मिलियन का मुझे नुकसान हुआ है। भैंचुद मेरी पैंट फट गई, अब मैंने आगे सप्लायर को भी पैसे देने होते हैं, भैंचुद यहाँ पे मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता लगा वो यहाँ पे, वो दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा तू उस बंदे को ढूंढने के लिए आया बेसिकली, जिसने कितनी दो शिप है 18 मिलियन का जिसने गपल करके दो नहीं थी एक दर्जन शिप से मेरी। डीआईजी साहब आपकी तारुफ तो हो ही गया है, मेल मुलाकात तो हो ही गई है। हाँ फाइज कैसे हो? अल्लाह का करम है यार, कैसा ना हुआ है, किसने बुलाया आपको? हाँ ये यार ये क्या आदमी है भाई, ये दोस्त रह चुका आपका, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। यार ये तुम डीआईजी हो, इसके जैसे कुल छड़े के कॉल पर आ गए तुम, यार बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, व्हाट द फक यार। यार लो ये एजेंट, शायद तुम्हें पता नहीं है, एजेंट शायद तुम्हें पता नहीं है, एक टाइम पे हमने एक ही लड़की से मोहब्बत करी हुई है। अच्छा ये कह दो ना कि पर्सनल रिलेशन है, मुझे समझ आता है। ये लोगर निकाल लिया तुमने तो? नहीं नहीं बहस बहस मेरी जान, ऐसी तो बात ही है, तो बात ऐसी बात हो जाती है, नॉर्मल बात। देखो ये जरार विद इन 3 hours में तुम्हें कॉल करूंगा, तुमसे इंटेल लूंगा, अगर तब तक नहीं हो सका मेरा काम जो भी एक्स वाई जेड मैंने तुम्हें बताया है तो फिर मैं अपने तरीके से करवाऊंगा, और जब मैं अपने तरीके बनाऊंगा तो फैज साहब तुम भी सुन रहे हो यहाँ पे, खून तो बहेगा यहाँ पे। मारो यार मुझे कोई फर्क नहीं है, तुम्हारो यार एजेंट मत फैज मत भूलो ये वाली चीज। नहीं फैज मैं गांडू मारने की बात नहीं कर रहा था, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ। मैं जो सही बेसी प्रोग्राम हो रहा है मादर चोद यार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तुम दोनों मिल गए आज, मुझे ऐसा लग रहा है आज, आसिफ ऐसा लग रहा है, बहुत बेइज्जती प्रोग्राम होने वाला, निकल लो यहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ बैचू, ठीक है। फैज एक बंदे के पीछे मैं आया था यहाँ पर ना बेसिकली, खैर उसे मैंने स्टोरी सुना दी क्या क्या सीन था बस, तो बस वो बंदा जैसे मिलेगा तभी मैं निकल जाऊंगा, उसको यार दुश्मन है मेरा, बचोदी कर रहा था दूसरे शहर में, उसकी लेने आ गया मैं यहाँ पे। मैं चलो निकलता हूँ, तुम लोग डिस्कस करो, ठीक है मैं निकलता हूँ, मैं काम नाम थोड़ा पर्सनल यार उसका, चलो बॉयज ओके ओके। हाय लाला बड़े मजे चल रहे हैं, बड़े मजे चल रहे हैं, बड़ी मजे की आपके यहाँ पे ना, क्या ही बात है क्या ही बात है लाला, सब अर्जेंट बनाया आपने कुछ शायद, तो मैं जब ही तुझसे देख तू गाड़ी में जब बैठा था ना लाला, याद होगा तुझे मैंने एक सवाल पूछा था तुझसे। क्या क्या? मैंने पूछा था कि लाला बड़ा खामोश लग रहा है यार, खैरियत है? याद है? हाँ जी मैंने कहा था थका हुआ हूँ मैं। लाला अभी भी छुपा रहा है तू भाई से कुछ, देख क्या छुपाया सर आपसे, देख ले अभी भी अगर सीनियर मानता है अपने अपने भाई को तो बता दे, अभी भी कोई बात है तो बता दे, देख मुझे तो पता चल गई है, अगर तुम नहीं किस भी बताओगे की बात है, अब किस किस्म की बात है, मैं बस दिमाग लाला क्या लाला चल रही है, लाला उस शहर से क्या झोल मार के भागा है, सही से बता, उस शहर से क्या आपको किसने बताया? हेलो अकाउंट चेक करो अपना, अरे तूने भेज भी दिए ना एडवांस है ना कोई सीन है, इसका मतलब समझ सकता है ना, मैंने कभी भी तुझे इससे पहले सिर्फ एडवांस भेजा था, पूरी अमाउंट नहीं भेजी है, मामला थोड़ा नाजुक हो गया है, क्या ही बात वाली बात नहीं है, अपने बंदे दौड़ाओ उनके कांडे हिलाओ, मुझे बंदा चाहिए 3 घंटे के अंदर, मैंने लगाए में लड़के लगाए में अभी रिपोर्ट मिल जाएगी, आधा घंटा दे दो बस, आधे घंटे में रिपोर्ट हाजिर है, ठीक है टेंशन नहीं लेनी। तो भैंचो जब तुम्हारे इतने अच्छे बंदे तो 7,000 के साथ क्या कर रहे हो तुम शहर में? यार एजेंट पैसा बहुत था चला गया, यही तो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ, बैठ के बात करेंगे ना हम दोनों भाई, दोनों बैठ के बताएंगे, मैं तुझे सीन बताऊंगा किस चक्कर में पैसा उड़ा है, ठीक है किसी दिन फिर कभी बैठ के तुम्हारी रिलीज सुनेंगे, बस सही है आज की सैटरडे में निकलता हूं यार, तुझे पता तो मैं बताता हूं ना, सुकून से बता, ओके बस बेस्ट हो गया। हां जी सर लाला बता दे मैं अभी ये बताया आप किससे मिल के आए, मुझे साफ 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 बताया लाला, देखो तुम्हारे मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, तुम्हारी जान खतरे में, ठीक है टीम आई भी है और टीम का खास बंदा आया हुआ है तुम्हारे पीछे, और मुझे ये भी पता है कि तुम कितने पैसे लेके आए हो इसके लिए, एजेंट तो नहीं था आपके पास, एजेंट आया हुआ था एग्जैक्टली,
एजेंट तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, जहाँ इस वक्त तुम खड़े हो ये मेरा इलाका है, इधर कोई नहीं पर मार सकता। लिखा हुआ है और आप क्या इलाका मेरा है यार, नंबर प्लेट पे नहीं जाना, ये इलाका मैंने आज ही छोड़वाया मेरी जान। इधर तुझे पता कितने पीडी वाले थे आज, 50 पीडी वाले मारे, पीडी वाले कह रहे हैं 100 टीम मारी हमने, मसला नहीं है इधर, इधर कोई पन नहीं मार सकता, टेंशन नहीं लेनी तुम, जब तक मेरे साथ हो तुम्हें कोई मसला नहीं है। तुम मुझे सिर्फ आपको क्या बताया था, मुझे ये बताइएगा, उसने मुझे ये बताया कि तुम उसके 18 मिलियन लेके भागे हुए, 18 मिलियन, 18 मिलियन। और मैं जानता हूँ क्या बना रहा है आपको, ये आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको बना भी रहा है, ठीक है? क्या सोच है रे तेरी? एजेंट मैं नहीं लेके भागा, एजेंट मेरे से नहीं खेल सकता, मैं जानता हूँ एजेंट मेरे से नहीं खेलता, अपने मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, हमेशा मैंने आपको उससे बचाया है। लाला मैं जानता हूँ ये वाली चीज, मैं ये जानता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी जानता हूँ, मैं साथ में ये भी जानता हूँ कि एजेंट के कारोबार कोई दो को उसका तो होता नहीं है, ठीक है? एजेंट जब भी हाथ मारता है लंबा ही मारता है। नहीं मारता है लंबा, बिल्कुल मारता है, मैं लेके भी भाग रहा हूँ, लेकिन 18 मिलियन वो रोबोट की आवाज़ वाला आपसे खेल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 18 मिलियन लेके नहीं भागा। नहीं लाला ऐसा नहीं हो सकता, तू लेके तो भागा होगा। पैसा तो आपको मिल गया, लेकिन आपके आगे क्या फर्दर स्टेप्स होने वाले हैं ब्लैक स्मिथ को पकड़ने के लिए, क्योंकि जाहिर है आपको पता है वो भरोसा नहीं करता ऐसे, इसलिए उसने मुझे भेजा। तुम लोगों को मेरी जगह कैसे पता चली, मतलब मेरे डीआईजी फैज ने ट्रैक करके दिया आपका नंबर। जंजुआ ऐसा है कि मुझे बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट के अंदर तुम लोगों को बंदा मिल जाएगा, ठीक है? 10 मिनट के अंदर बंदा हाजिर? ये लाला इधर क्या कर रहा है? जरार साहब ये लाला तो काफी टाइम से मिसिंग है हमारे उधर डिपार्टमेंट से, लाला किधर हो तुम यार, किधर गायब हो? लाला मिलने आए हो साहब? कैसे जंजुआ साहब तुम इधर क्या कर रहे हो, इतने टाइम से शहर से तुम गायब हो, आप ठीक है वैसे? जरार साहब ये आपको कहाँ से मिला यार? ये इसको मैंने बुलवाया हुआ था, असल में छुट्टियों पे आया हुआ था ये मेरे पास ना, कुछ मेरा काम था उस बिजनेस के चक्कर में बुलाया था मैंने इसको। अच्छा अच्छा सही हाँ। सही एजेंट साहब तुम्हारा पूछ के पागल हुए हैं कि लाला किधर है और तुम इधर आए हो छुट्टियों पे बगैर बताए अचानक रातों रात। साहब बात तो कर ले, सांस नहीं ले रहे आप यार, कैसा लग रहा है ना पुराने पुराने पुलिस वाले मिल रहे तीनों है। जो साहब कैसे आप ठीक है? बिल्कुल इसके तो ये तो अचानक ही यकीन माने रातों रात गायब हुए तो आप, पर चले ठीक है आप लोग फिर ठीक है जरार साहब फिर एजेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सिर्फ ये इन्फॉर्म करना कि 10 मिनट में बंदा मिल जाएगा, ठीक है? सिर्फ ये क्या मतलब, मैं उसको पूरी बात इन्फॉर्म करूंगा ना, इसका बताना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये भी इधर देखा। अरे नहीं नहीं जंजुआ साहब अब मेरी आवाज आ रही है। अरे ये तो जाने लगा है बस, अभी इसकी फ्लाइट का टाइम हो गया। अरे जंजुआ साहब ऐसे क्या गुस्सा ही कर गए हैं, मैं इधर थोड़ा रख ले जरा, मैं 2 दिन छुट्टियां मार के आया हूं, मेरा ऑफिस में नहीं पता इतना डिटेल से, समझा करें यार, फिर सारे मिलने आ जाएंगे वहां पर भी फैल जाएगी बात की घूमने फिरने आया हूं, समझा करें। दो मिनट एजेंट साहब हां वो उधर लाला भी ले लाला ठीक है हम वापस आ गए, मैंने बाइक टेस्ट करके आपने बड़ी अच्छी बाइक बनाई है ऑफिसर, चलो हम लोग वापस, उनको कॉल आ गई है एजेंट साहब की, वापस चलना पड़ेगा। तो आप चलेंगे बाइक टेस्ट करने? एजेंट वो लाला रुक रुक, लाला रुक, लाला अभी भी वक्त है, मुझे बता दे कितने पैसे मारे पे तुमने, अभी भी वक्त है तेरे पास अभी यार। लाला देख अभी भी तेरे पास वक्त है, इससे पहले एजेंट आए मुझे बता दे कितने पैसे तेरे पास। मेरे पास 18 मिलियन नहीं है लेकिन मैं आपको 8 मिलियन दूंगा अगर आप मुझे बचा लेंगे, बस मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता 8 मिलियन। वेट करो एक मिनट। हेलो मेरी आवाज आ रही है बाबू साहब? हेलो मुंह दिए ना बेटी चोद कान में तुम। अरे वैंचोद भाई एजेंट मुझे क्या पता था कि ये शख्स वो ही है ब्लैक स्मिथ, मुझे ये बता दो, मुझे क्या पता था ये वाली चीज? नहीं कुछ के ढकन तुम्हें इतना नहीं पता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक बंदा मेरे कान में मूंद के भागा है, वो तुमसे मिल रहा है छुप छुप के, और तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो कि तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तुमने रियल नाम बताया था, तुमने खुद ही छुपाई अपने रियल नाम उसको, तुमने कहा रियल नाम मैं नहीं बता सकता असली नाम नहीं यार बता। तो अभी मेरे बगैर बताई तुमने पता लगा लिया ना, मुझे क्यों, मुझे जंजुआ के थ्रू क्यों पता लग रहा है, तुम्हारे थ्रू क्यों नहीं पता लगा, मुझे बताना चाहोगे तुम? मुझे क्या पता कि तू इसको ढूंढने आया हुआ, मैं ब्लैक स्मिथ को ढूंढ रहा हूँ पूरे शहर के अंदर, ब्लैक स्मिथ नहीं मिल के दे रहा साला कोई। तो भैंड जो तुम बातें क्यों चोदी मुझे, ये इसका कोड नेम है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम्हें भैंड जो तुम्हारी पार्टी का, तुम लोगों ने पीछे मेरे पीछे क्या धंधे शुरू करे मुझे नहीं पता।
तो फिर जो 5 मिलियन तो मेरे जाया हो गए ना, लंड से बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो तो मैं 7,000 की मूत लेके बैठा हूँ भैंचो, तो यहाँ पे बातें करोगे भाई 3 घंटे में लंड मेरा 3 घंटे में टूटोगे तुम। एजेंट बास मिला तो मेरे पास ही ना, मिला तो मेरे पास ही ना, तू टेंशन क्यों ले रहा, तेरे पैसे निकलवा के देता हूँ मैं। देख सरार बंदा मुझे सुन, अब मेरी सुनेगा तू, तूने जो करना था कर लिया, तुझे पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया। इस बंदे को कॉफी वगैरह के लिए कुछ भी एक्स वाई ज़ेड बहाना कहीं बुला और मुझे जगह बताते, बात खत्म है। ठीक है डन, तेरा वो बंदा और मेरा काम है, 1 घंटे में हो जाना चाहिए, 1 घंटा है तेरे बस प्लान करने के लिए। अगर 1 घंटे के अंदर नहीं होता तो ये सिर्फ इस शहर में सिर्फ फैज नहीं होगा तेरी बुंड लेने के लिए, ये याद रखना। मैं कर रहा हूँ एजेंट, मैं करके देता हूँ, टेंशन नहीं, मैं करके देता हूँ। ठीक है ठीक है।